हेलो हेलो बतलू जी, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो बतलू जी, मुझे आपका नंबर किसी से मिला है। क्या आप अपना मकान बेचना चाहते हैं? अरे मोटू, कोई हमारा मकान खरीदना चाहता है जी। हाँ, हम मकान तो बेचना चाहते हैं, पर आप रुपया कितना देंगे? हम $5 करोड़ देंगे। $5 करोड़? फॉरेन की कोई पार्टी है, ट्रेन का मकान खरीद रही है। नंबर वन, जोड़ लगाओ, $5 करोड़ कितना होता है? क्या कर रहे हो बॉस? कितने जीरो होते हैं ना, ये पता नहीं चल रहा है। टेबल में जीरो आ ही नहीं रहे हैं। रहने दो, ये मकान तो नहीं बिकने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, जल्दी से घर जाके उसे नया कर दो। जो 5 करोड़ दे रहा है उसे घर भी तो वैसा ही चाहिए होगा ना यारी। लेकिन अब मेरी बारी है घर तोड़ने की। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम घर बेचते हो। अरे कांच किसने तोड़ दिया? पतलू वो देखो, वो लड़का कांच तोड़ के भाग रहा है। कांच रिपेयर करा लो। अरे रुको, कांच वाले भैया रुको, ये कांच रिपेयर कर दो, टाइम नहीं है। हाँ, करता हूँ, 5,000 लूंगा। हाँ, देता हूँ, पर जल्दी करो। ए लड़के, कांच तोड़कर कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे ये क्या है? मोटू, कांच रिपेयर हो गया है। एक कांच वाला उसी समय आ रहा था, तो मैंने उससे कांच रिपेयर करवा लिया। वो लोग आएंगे, हमारा घर ले जाएंगे, हम 5 करोड़ कमाएंगे, नया बंगला खरीदेंगे। फिर तोड़ दिया। मोटू ये तो वही लड़का है, कांच तोड़ के भाग रहा है, पकड़ो उसे। इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। कांच रिपेयर करा लो कांच। अरे तुम फिर? क्या इत्तफाक है? हाँ, मैं वापस लौट रहा था, क्या हुआ फिर टूट गया? आप लोग कांच कैसे इतनी जल्दी तोड़ देते हो? इस बार 10,000 लूंगा। 10,000? ठीक है, अरे जितना चाहिए ले लो, लेकिन जल्दी से रिपेयर कर दो। बच्चे चिल्ला क्यों रहे हो? ये आदमी मुझे किडनैप कर रहा है। किडनैप कर रहा है? मारो उसे, छोड़ना मत। मारो। पतलू रे, वो
लड़का बहुत तेज है, इस बार हमें चौकन्ना रहना होगा। अब अगर वो फिर से आया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ यह सही है, ये अच्छा है। मोटू की पिटाई और हमारी कमाई दोनों एक साथ, मेरे खुराफाती दिमाग में जो शैतानी आइडिया आते हैं वो कभी ना कभी तो रंग लाते हैं। नहीं बचोगे बच्चे, चाहे तुम किडनैपिंग का केस लगाओ या फिर कुछ और। कांच लगा लो, कांच। अरे ये तो मिली भगत है, वो कांच तोड़ता है और ये कांच लगाने आ जाता है। अब नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे तुम अंदर आओ, अंदर आओ, जरूर वो बच्चा तुम्हारे ही ग्रुप का होगा। वो कांच तोड़ता है और तुम रिपेयर करने उसी समय आ जाते हो। मैं भी नहीं छोड़ूंगा यारी। जो काम नहीं आता वो नहीं करना। किसी की धुलाई वुलाई का काम मोटू का है, उसे ही करने दो। अंदर तो उसको पीटने गए थे और खुद ही पीट के आ गए। चाय वाले भैया, जरा एक चाय तो देना। हाँ ये लो मोटू। अरे पतलू क्या हुआ तुम्हें? अरे वो लड़का और कांच रिपेयर करने वाला दोनों मिले हुए हैं। एक कांच तोड़ता है और दूसरा रिपेयर करने आ जाता है। चिन्नम सर, आप तो दोनों को पकड़ के जेल में डाल दो। हाँ चलो, इनके घर का पेंट भी सब खुरच खुरच के खराब कर देते हैं। पाँच करोड़ क्या, 5,000 भी कोई नहीं देगा। अरे ये क्या हुआ, पूरे घर की हालत खराब हो गई। अरे मेरा घर इतना सुंदर घर था, इस घर को क्या से क्या बना दिया रे। अब तो ये 2 पैसे में भी कोई नहीं खरीदेगा। बॉस, इस बार आपका आइडिया काम कर गया। मोटू पतलू इस बार आपसे जीत नहीं पाए। लो लो लो, खरीदार आ गए। अब 5 करोड़ डॉलर की जगह कोई 5 पैसे भी नहीं देगा। सर, मैंने आपको इस मकान के बारे में बताया था ना। मोटू पतलू ये है सर बटलर, ये तुम्हारा घर खरीदना चाहते हैं। नमस्ते सर। ओ हो, 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 हो। घर बेच रहे हो 5 करोड़ में, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये लो। ओ हो, 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 हो। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं कुछ नहीं, जो होने वाला है वही सोच रहा था। कांच को देखता है, विंडो को देखता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड गुड। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, यू लाइक इट? आई लाइक इट वेरी मच, वेरी मच। ऐसा ही तो घर चाहिए था हमको। शूटिंग करनी है, हमें ऐसा ही टूटा फूटा मकान चाहिए था। पुराना घर, रस्टिक लुक, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। इसने हमको बोला एक मकान है एकदम टूटा फूटा, आप देख लो, हमको अच्छा लगा। ये लो, 5 करोड़ डॉलर रख लो। सर, फिर आप रेंट पर ले लो, शूटिंग ही तो करनी है। शूटिंग के बाद हम अपने घर में आ जाएंगे। ओके, एक्चुअली ये 5 करोड़ डॉलर शूटिंग के ही है, खरीदना नहीं है। 1 मंथ के शूटिंग के बाद आप वापस ले सकते हैं। 5 करोड़ डॉलर रेंट के पैसे हैं? ओह यस यस यस, ओनली रेंट। हम 1 मंथ शूटिंग करेगा, फिर घर तुम्हारा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yeah.
सब लोग मुझे मारिए, सब लोग मुझे पीटिए, कूटिए, मारिए। छोटे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? हम तुमको नहीं मार सकता। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली है तो जाओ, हमने भी तुम्हें माफ किया बेटा। ये आवाज कुछ जाने पहचाने से लग रही है। जाओ तुम। मैं जो भी करता हूँ वो सब उल्टा हो जाता है, और मोटू पतलू को ही हमेशा फायदा मिल जाता है। मैं क्या करूँ रे बाबा, चिंगम से मुझे जेल में डाल दो ना। चिंगम सर रुको, जेल बाद में लेके जाना, पहले इसकी पिटाई का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसने ही कहा है पीटो मारो कूटो। हाँ तो पिटाई शुरू। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।